गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो अभी है शाम का टाइम और बच्चों की स्टडी टाइम, तो चलिए देखते हैं सैमू क्या कर रही है। तो सैमू यहाँ बैठ के पढ़ाई कर रही है, क्या चल रहा है सैमू? क्या चल रहा है पढ़ाई? किस चीज़ की तैयारी कर रही हो? एसएसटी का पेपर है परसों। एसएसटी का कल का पूरा दिन और अपना आज का आधा का आधा दिन, आधा का भी आधा क्या, अभी एक दो घंटा, तो भी एक घंटे का वीडियो है वो देखूंगी। अच्छा, तो पूरा ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। और ये है, ऐसे तैयारी कैसी है? अच्छी है तो सारा इधर पड़ा हुआ मेरा, अब समझ सकते हैं। हाँ, क्या हो गया? सारा फैला के रखी हुई हो, टेंशन ज्यादा हो गया है। उसने कहा मैं जब चल रही हूँ तो ये और ये दो मेरे बहुत पेन कर रहा है। पेन कर रहे हैं, कोई बात नहीं, एग्जाम का स्ट्रेस ऐसा ही होता है बेटा, कुछ किया नहीं जा सकता। तो फ्रेंड, सैमू के सिर में दर्द हो रहा है, मैं आ गई हूँ किचन में। और सैमू के सिर में दर्द होने का कारण है कि एक तो एग्ज़ाम के स्ट्रेस है और दूसरा उसकी तबीयत भी इधर 3-4 दिन से सही नहीं थी, तो थोड़ी वीकनेस भी उसको हो गई है और वीकनेस की वजह से भी सिर में दर्द होता है। वीकनेस हो और उसमें अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो दिक्कत होती है, और तो इसी वजह से सिर में पेन हो रहा है उसे। बट मुझे लग रहा है खाना वाना खाएगी थोड़ा अच्छे से तो सिर का पेन कम हो जाएगा, नहीं होगा तो रात को मैं विक्स वगैरह लगा दूंगी तब वो सोएगी। तो और इधर सिन्हा जी जो है वो आरुल को लेकर बैठे हैं, तो मैंने सोचा चलो रात का डिनर रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि ये भी एक काम ही होता है बड़ा सा, और इसके बिना तो जीवन ही नहीं चलेगा ना, तो खाने के बिना। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ क्योंकि मेरे आयु को ना पढ़ाया जा रहा है, और पढ़ते पढ़ते कब उनको नींद आने लगेगी या फिर भूख लग जाएगी पता नहीं है। मतलब उसको जब पढ़ाई से मन या किसी क्वेश्चन से मन उसका ऊब जाता है ना किसी चैप्टर से, तो वो बस या तो खाना मांगेगा या तो सोने का नाटक करेगा। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी बना लेती हूँ। तो मैं दाल तड़का बनाने वाली हूँ और साथ में बटर रोटी। दाल तड़का के लिए मैंने कुछ सब्जियाँ काट ली है, और यहाँ पर मैं धनिया और जीरा, जो खड़े धनिया और जीरा होते हैं ना, एक एक चम्मच लेकर मैं उसको मैंने थोड़ा सा कूट लिया है, और लहसुन बारीक कट की है, धनिया की पत्ती है, प्याज टमाटर है, और यहाँ पे मैंने तूर दाल को बॉईल किया है, तो मैं तूर दाल में बनाने वाली हूँ। बहुतों को मूंग दाल में बहुत पसंद आता है, बट हमारे घर में लोग तुअर दाल, जिसे राहर दाल भी बोलते हैं, उसमें बहुत पसंद आता है। तो मैंने एक चम्मच भर के बटर डाला है और उसमें मैंने डाल दिया है जीरा और धनिया जो हमने कूटा था वो मैंने डाल दिया है। तो दाल तड़का बनाने के बहुत तरीके हैं, इस तरीके से भी बना के देखिएगा, बहुत टेस्टी लगती है। ये जो धनिया और जीरा जो मैंने कूट लिया है ना, और इसको बटर में अच्छे से या कि घी में बना लीजिए, तो घी में भी अच्छे से उसको थोड़ा फ्राई करिए, उसके बाद उसमें बारीक कटे हुए लहसुन और हरी मिर्च डाल दी मैंने, और फिर उसे हम थोड़ा सा सॉटे करेंगे, और सॉटे करने के बाद फिर इसमें हम प्याज और टमाटर डालेंगे। तो धनिया की पत्ती हम बाद में डालने वाले हैं, और एकदम से सिंपल रहती है, बहुत टेस्टी लगती है। मतलब कोई मसाले वसाले मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करने वाली हूँ, लेकिन जिनको बहुत ही तीखा वगैरह खाने की आदत है ना, तो रेड चिली पाउडर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो खैर, मैंने यहाँ पे सॉल्ट डाल दिया है, और चूँकि हमने दाल भी पकाया है नमक और हल्दी दे करके, इसलिए नमक बहुत स्वाद से ही कम डालें, जितनी सब्जियाँ वगैरह आप ऐड कर रहे हैं ना उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा डालें। मैंने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर डाला है, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर डाला है, और आपको ना ये चीज़ का ध्यान रखना है कि लाल मिर्च पाउडर जो है ना, अगर आपको तीखा खाना है ना, तो आप यहाँ पे एक चम्मच या तीखा वाला आप मिर्ची डाल लीजिए, कि बहुत लोगों को दाल तड़का तीखे अच्छे लगते हैं, तो मिक्स कर लीजिए। और उसके बाद यहाँ पर उसे मैं पकने दे रही हूँ, और यहाँ मैं आटा रेडी कर ले रही हूँ रोटी के लिए, तो वही मैं कर रही हूँ, और बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो वो भी मैं सुन रही हूँ कि बच्चे क्या क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं आटा रेडी कर लेती हूँ। चलिए फटाफट आटा रेडी करते हैं और दाल तड़का रेडी कर लेती हूँ मैं, और बच्चों को भी देखती हूँ। और इसी के साथ में यहाँ पे मैं ना हरी चटनी बनाने वाली हूँ, क्योंकि हरी चटनी के बिना ना सैमू को खाना अच्छा ही नहीं लगता है, चाहे वो दोपहर का हो या रात का हो। और बच्चों को एक तो एग्ज़ाम का स्ट्रेस है, ऊपर से अगर थोड़ा मन के लायक कुछ ना मिले तो अच्छा नहीं लगता है, और सैमू को चटनी बहुत पसंद है, तो मैं हमेशा फ्रिज में रखती हूँ चटनी उसके लिए बनाकर, जैसे ही ख़त्म होती है फिर बना देती हूँ। तो आज मैं रात में ही बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे धनिया की पत्ती को काट लिया है, और एक चीज़ और, बहुत सारे लोग होते हैं ना जो धनिया की चटनी बनाते हैं तो सिर्फ पत्ते डालते हैं, डंठल उसके पूरे के पूरे निकाल के फेंकते हैं, बट फ्रेंड फेंकिए मत,
क्योंकि डंठल जो कोमल वाली है ना वो पार्ट जरूर डालिए, उससे में बहुत स्वाद होते हैं। हाँ, जो कड़े हैं हार्ड हैं उनको हटा दीजिए, हार्ड वाली स्टीम को हटाइए, बाकी को आप रखिए। और यहाँ पर मैंने लहसुन को रख लिया है, उसके ऊपर नीचे से छील दिए अच्छे से और डाल दिया मैंने, साथ में हरी मिर्च डाली है। अब यहाँ पे मैं डालूँगी सॉल्ट और 2 चम्मच। और आज क्या हो रहा है, लाइन भी जो है ना वो बहुत ही नाटक कर रहा है, मतलब बिजली आ रही है जा रही है ऐसे हो रहा है। तो नमक डाला है यहाँ पे मैंने, ये डाला है आमचूर पाउडर, रॉ मैंगो पाउडर मैंने डाला है। और यहाँ पर थोड़ा पानी डाल के इसे बंद करके पहले हम एक बार अच्छे से चला लेंगे, और मैंने यहाँ पे चला लिया है। और जब भी मैं चला करके आ रही हूँ तभी लाइट चली जा रही है। और इस वहाँ पे 1 चम्मच दही और डालना है, मतलब दही नहीं डाली ना हमने, तो अभी चला लिया ना हमने अच्छे से, फिर से 1 चम्मच दही डाल करके और उसे फिर से चटनी को चला लेना है। क्या हो गया है कि लाइट चली गई है तो इस वजह से मैंने अभी रोक दिया है। और यहाँ पर मैं दाल मैंने पलट दिया है इसमें दाल तड़का में, और मसाले चूँकि फ्राई हो गए थे टमाटर वगैरह, और थोड़ा धनिया पत्ती हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे और इसको हम ढक के पकाएंगे। तो यहाँ पे ये हो गई है, तो चलिए इसको मिक्स कर देते हैं और इसको ढक करके पकने देते हैं। तो थोड़ा सा अच्छे से इसे बॉईल और होने देते हैं। और ये दाल तड़का बहुत ही सिंपल हल्का सा और बहुत ही टेस्टी लगता है, बटर रोटी या घी रोटी के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो इसे मैंने ढक दिया है, इसे हम 1 से 2 मिनट पकने देंगे। तो यहाँ पे मैं चली गई थी अरुल को देखने की क्या कर रहा है वो, तो यहाँ पे वो दाल तब तक ऑलमोस्ट हो चुकी है। तो अब हम बनाएंगे फटाफट रोटी। तो मैं यहाँ पे सादी चपाती जो बनती है ना वो बनाऊंगी, और उसमें बटर लगाने वाली हूँ, साथ में चटनी और सैलेड बनेंगे। तो शिनहा जी जब अरुल को पढ़ा लेंगे तो सैलेड बनाने का काम वही करते हैं, मैं भी बना लेती हूँ लेकिन बना देती हूँ मैं भी सॉरी, लेकिन ज़्यादातर शिनहा जी हेल्प करते हैं तो वो बनाते हैं। बट अभी आप किचन में देख रहे होंगे कि बड़े सिन्हा जी नहीं, छोटे सिन्हा जी हैं, क्योंकि वो पढ़ाई उन्होंने कर ली है। और पढ़ाई में उन्होंने लास्ट में एक जो क्वेश्चन का आंसर किया था ना, वो सिर्फ इसी शर्त पे कि मैं ही कुकुम्बर को मतलब पिल भी करूँगा और उसे कट भी करूँगा, तो वही कर रहे हैं ये छोटे सिन्हा जी। तो अच्छा है ना, बच्चे ऐसे ही धीरे धीरे काम सीख जाते हैं। बट मैं नज़र भी दे रही हूँ कहीं हाथ वाथ ना काट ले बच्चे, क्योंकि बच्चों का हाथ वगैरह अगर कहीं पे कट गया गलती से भी तो क्या होता है ना, कि मतलब एग्ज़ाम का टाइम भी है और वैसे भी बच्चों को बहुत परेशानी हो जाती है। तो इसने पापा वाला चाकू ले लिया था। और यहाँ पर हमारी बटर रोटी बन के रेडी हो गई है, दाल भी बन गई है। तो चलिए अब दाल में तड़का कैसे ना दे, तो मैंने फिर से 1 चम्मच बटर डाला है, 2 मैंने सूखी लाल मिर्च, आधे चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा हींग डाला है और उसे थोड़ा सा पकाया। और बस दाल में, सिंपल दाल में एक दूसरा तड़का दिया मैंने। और ये लीजिए हमारी दाल जो है ना बन के रेडी हो गई है। अब एक्स्ट्रा बटर ऊपर से आपको डालना है तो डालिए, नहीं तो विदाउट बटर ठीक है, काफ़ी अच्छी लगती है खाने में। थोड़ा सा नींबू का रस मैंने ऊपर से डाल दिया है कि थोड़ा सा वो खट्टा खट्टा हो जाता है तो अच्छा लगता है खाने में। खैर चलिए, हमारी दाल तड़का तो बन करके रेडी हो गई है। तो दाल तड़का की मैंने बहुत सारी रेसिपी आपके साथ शेयर की होगी, और सब में मैंने कुछ ना कुछ चेंज किया होगा क्योंकि दाल तड़का बनाने के बहुत तरीके हैं। और यहाँ पर जो है ना आयु ला रहा है, सब लोग हेल्प मिलकर हेल्प कर रहे हैं खाना को, मतलब प्लेट तक डाल प्लेट में डालने तक। तो सिन्हा जी ने सैलड वगैरह रेडी कर दिया है उसमें, और आयु ने काटा था। और चलिए अब मैं क्या करती हूँ, फटाफट प्लेटिंग कर लेती हूँ क्योंकि सबको भूख लगी है और बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं, तो बच्चों को टाइम से सोना भी है। आरुल को और शैमू तो अभी थोड़ी सी स्टडी और करने वाली है क्योंकि अभी इतनी जल्दी तो वो नहीं सोएगी, और वैसे भी रात के अभी 9:30 हो चुके हैं। तो मैं यहाँ पे खाना निकाल, क्योंकि मुझे भी अब सब किचन के काम, खाना होने के बाद सारे काम ख़त्म करते करते 11:30 से कम तो होंगे नहीं, तब तक सैमू स्टडी करेगी, उसके बाद वो भी सोएगी, मैं भी जाऊंगी सोने। तो अभी तो फिलहाल डिनर कर लेते हैं। तो फ्रेंड आप लोग भी आ जाइए डिनर करने के लिए, सिंपल सी दाल तड़का रोटी और सैलेड है, चटनी है, हरी चटनी है। तो आज का डिनर हमारा यही है, सिंपल सा है बट बहुत टेस्टी लगता है। क्योंकि क्या होता है ना कि हम दिन में बहुत सारे मसालेदार खाना बना लेते हैं, जैसे सब्जी बहुत तरह की बन जाती है ऐसी, कि सब में मसाले यूज़ होते हैं ना, तो किसी टाइम मन करता है ना एकदम सिंपल सा खाना हो, मस्त लगे खाने में, एकदम सिंपल सिंपल अच्छा लगता है। तो मेरे सिन्हा जी हैं उनको मसालेदार खाना बहुत पसंद है, बट सिंपल दाल तड़का रोटी वगैरह भी उनको पसंद आता है। तो मैं वही कर रही हूँ, अभी मैंने चटनी बनाई है, वो मैंने थोड़ी सी निकाल ली है, बाकी चटनी को मैंने एक डब्बे में करके रख दिया है, टिफ़िन डब्बे में। क्यों? क्योंकि उसमें थोड़ी दही डाल के मुझे उसको ये करनी पड़ेगी, चलानी पड़ेगी, क्योंकि लाइट चली गई थी। तो जब अब लाइट आएगी तो मैं रात तक भी कोशिश कर, जब तक मैं किचन में काम करूँगी तब तक मैं कोशिश करूँगी मैं उसे कर लूँ।
तो फ्रेंड मैं अपने ब्लॉग से अब यहीं पे लेने वाली हूँ विदा, क्योंकि अब हमारा रात का डिनर शुरू हो गया है करना, और डिनर ख़त्म करने के बाद मैं बाकी के काम निपटाऊँगी, बहुत सारे और ढेर सारे काम अभी भी बचे ही हुए हैं। तो वैसे भी आपको मेरे चेहरे से बहुत थकान लग रही होगी, सुबह से ही काम बहुत ज़्यादा थे, और इसमें आयु को पढ़ाना सब कुछ करना था, फिर शाम में पापा ने लिया है तो अब कल के पेपर हो सकता है बच्चों के अच्छे जाएँ। तो चलिए फ्रेंड मैं अपने ब्लॉग से लेती हूँ विदा, वीडियो पसंद आई लाइक शेयर कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।